हम आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो फील्ड है वो मिडिवल यानी मध्यकाल इतिहास रहा है, और बहुत से ऐसे ग्रंथ जो हैं जो फारसी में है, सर ने गंभीर कहा जाता है कि कह सकते हैं कि हम बता सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आर्य कॉलेज पानीपत आप स्टूडेंट सभी फैकल्टी मेंबर्स और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से सर का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज लेक्चर के लिए हमें अपनी स्वीकृति दी। और मैं सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अपने जो माइक्स हैं उसको म्यूट कर लें कृपया, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ आएगी तो बीच में डिस्टर्ब रहेगा, और जो फिर वो जानकारी देना चाहते हैं वो उससे फिर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस बढ़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक जो है वो ऑफ कर लें। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब आप शुरू करिए सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो मेरा टॉपिक है उसका वास्तविक जो नाम था, नामकरण उसका ये है, फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ्स इन सोसाइटी, ए स्टडी ऑफ मिडिवल सोर्सेस, यानी जो भ्रांतियां हैं वो सोसाइटी में किस प्रकार से हैं, या जो अवधारणाएं विकसित होती हैं या मिथ्या विकसित जो होता है वो, और इतिहास में वास्तविक जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, और मिडिवल सोर्सेज जो है मध्यकालीन जो स्रोत हैं हमारे जो पुस्तकें हैं वो क्या हमें बताती हैं। तो ये परसेप्शन या जो धारणा जो है ये समाज में कैसे विकसित होती है, जो मिथ्स हैं मिथ्या है वो कैसे क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में है ये मेरा, क्योंकि ये एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सब बच्चों को पता हो या जो टीचर्स हैं हिस्ट्री के उनको भी इस चीज का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से धारणाएं जो है वो समाज में विकसित होती हैं और हिस्टोरिकल सोर्स को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे हिस्टोरिकल सोर्स जो है हमारे पास चार मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, खासतौर पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत हम देखते हैं, दूसरा हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं जो इसमें पुस्तकें हैं ग्रंथ हैं, और तीसरा हम फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स की बात करते हैं, विदेशी यात्रियों के जो वृतांत हैं उनकी बात करते हैं, चाहे वो चाइनीज हों, अरब कंट्रीज के हों, यूरोपियंस हों, उनकी हम बात करते हैं। इसके अलावा इसमें हम जो अगला जो हमारा जो सोर्स है वो फोकलोर होता है, यानी एक प्रकार से लोक गीत जो है या जो लोक साहित्य है वो हमारा एक इसका अंश होता है। इसके अलावा ये जितने फैक्ट्स हैं हम इनको हिस्ट्री राइटिंग के समय एज इट इज नहीं उठाते, इनको हम क्रॉस चेक करते हैं। क्या अगर भारत का जो कोई इतिहासकार है कंटेम्प्रेरी, मान लो शाहजहां के पीरियड का है या अकबर के पीरियड का है, वो क्या लिखता है, और उस समय में जो यूरोपियन यात्री आए हैं वो क्या लिखते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं उसको, एज इट इज नहीं उठाते हम। या कोई विरोधी इतिहासकार है उसका, जैसे कि अकबर के दरबार में ही थे अबुल फजल और बदायूनी, दोनों अलग अलग विचार रखने वाले थे, दोनों की जो सोच थी वो अलग अलग थी, तो उन दोनों को क्रॉस चेक करते हैं हम। तो ऐसे ही क्रॉस चेक फैक्ट्स को हम करते हैं इतिहास में, और इसीलिए इसको एक सामाजिक विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि हम इसको निरंतर सर्च करते हैं, दोबारा रिसर्च होती है, फैक्ट को देखने की कोशिश होती है। अब आज जो माहौल है उस माहौल में जैसे हम टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं हम, तो उसमें जो स्टोरी जो तैयार की जाती है वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो कमर्शलाइज है, वो धन कमाना उसका मुख्य उद्देश्य है, और उसमें जो इतिहास दिखाया जाता है वो उस तरीके का इतिहास नहीं होता। फैक्ट जो है वो का प्रयोग उसमें बड़ा कम होता है, और खासतौर पर मिथ्स जो है वो नए उसमें गढ़े जाते हैं। सोसाइटी के लिए बड़ी सबसे नुकसानदायक बात ये है, क्योंकि उनका कोई काम जो है ये मुख्य उद्देश्य इतिहास बताना नहीं है उनका, टीवी सीरियल बनाने वाले का, डायरेक्टर का, या फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का, उसमें उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो धन कमाना है, प्रॉफिट कमाना है उनका, और इसीलिए वो कोई हिस्टोरिकल जो फैक्ट है या जो स्टोरी है या कोई अकाउंट्स है उसको उठाते हैं वो, और उसी की व्याख्या करते हैं, और ताकि उसको वो अर्न कर सकें उस टॉपिक से, उस चीज से। तो इस प्रकार से ये इनका जो मुख्य उद्देश्य है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये इसको बड़ा नुकसान पहुंचाती है ऐतिहासिक तथ्यों को, और इसके अलावा पूरी तरह अनदेखा किया जाता है इसमें, या फिर इसमें चमक दमक दिखाने के लिए इन फैक्ट्स को बदल दिया जाता है, उस अपने हिसाब से बदलाव कर दिया जाता है इसमें। ऐतिहासिक तथ्यों को अपने अनुसार दिखाने के कारण जो
क्षति है जो तथ्यों की, वो बड़ी भारी मात्रा में है। वो मैं अभी उनका जिक्र करूंगा एक एक फैक्ट का, किस तरीके से वो दिखाते हैं। और इससे जो फिल्म सीरियल देखने वाले जो आम जनमानस हैं, सभी ना तो इतिहास के वो जानकार होते हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे आके हिस्ट्री को थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं, आम जनमानस उससे दूर रहती है। इसीलिए जब उनके सामने ये फैक्ट जो है जो टीवी सीरियल और उसकी तरीके से रखे जाते हैं, तो वो एक परसेप्शन तैयार करते हैं और वो उस परसेप्शन को ही सत्य समझने लगते हैं जो उन्होंने टीवी सीरियल में या फिल्म में देखा है। और इस प्रकार से जो इतिहास और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके प्रति एक अवधारणा जो है वो समाज में बनती है, और इतिहास के जो वास्तविक जो तथ्य थे वो बिल्कुल अलग होते हैं और जो वो पेश करते हैं वो दोनों अलग हैं। इस प्रकार से जो जन साधारण है, आम जनता है, वो गलत तथ्यों पर आधारित कहानी को ही सत्य मानकर चलती है और उसे आगे अन्य लोगों में भी प्रसारित करती है, बताती है कि अकबर का सीरियल है तो फिर वो अकबर के बारे में बताएंगे, अकबर ऐसा था ऐसा था। तो ये इस प्रकार से इससे इतिहास को जो है बड़ी हानि या क्षति जो है वो पहुंचती है। इसलिए फिल्म या सीरियल देखकर समाज में विकसित हुई अवधारणा इतिहासकार और समाज दोनों के लिए चुनौती है, सोसाइटी के लिए भी चुनौती है और जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए भी ये चुनौती है। और जो हिस्टोरियन है उसकी एक ड्यूटी बनती है, ये उसका कर्तव्य है कि वो वास्तविक तथ्यों को विद्यार्थियों के समक्ष रखे और संभव हो सके तो जनमानस के सामने भी उसे अवगत कराए। और इसलिए इतिहासकारी तथ्यों को तर्कपूर्ण ढंग से, जैसे अभी मैंने बताया कि क्रॉस चेक करते हैं हम, सोर्स का पता लगाते हैं ये सोर्स क्या था और उसको क्रॉस चेक करते हैं और तर्क के आधार पर उसे हम देखते हैं। तो इसीलिए तर्क पर आधारित तथ्यों से समाज को बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। अब मैंने इसमें दो या तीन जो है वो फैक्ट्स जो है वो उठाने की कोशिश की है बताने की। मैं उनके रेफरेंस जो है वो पढ़ूंगा जो उस समय में लिखे गए थे मिडिवल पीरियड में। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि एक टीवी सीरियल चलता था जोधा अकबर टीवी पे, और वो सीरियल जो था उसमें जोधा अकबर में जो हमीदा बानो है जो अकबर की माता है, वो अकबर की हाइट से भी ज्यादा हाइट उसकी दिखा रखी है उस सीरियल। तो आम जनमानस ये सोचेंगे कि इसकी माता जो थी अकबर की, इसकी हाइट बड़ी लंबी थी, लेकिन वास्तविक जो श्रोत्र है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं उसे दिखाता हूँ और उस लाइन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ वो किस तरीके से है, क्या वास्तविक रेफरेंस था इसमें। हम जब ये देखते हैं हमीदा बानो बेगम जो है वो उनकी माता का नाम है, और गुलबदन बेगम जो है उसने किताब लिखी है जिसका नाम था हुमायूं नामा, और उसका वर्णन करते हुए गुलबदन बेगम जो थी वो जिक्र करती है, गुलबदन बेगम जो है वो अकबर की बुआ है और हुमायूं की बहन है, सौतेली बहन है वो। उसने रेफरेंस लिखे थे अकबर के कहने पर कि हुमायूं के समय के रेफरेंस जो है वो हमें थे। तो ये गुलबदन बेगम का जो हुमायूं नामा है जो उस समय ही लिखा गया था, उसमें यहाँ हमें जानकारी मिलती है कि कम से कम 40 दिन जो है वो लग गए थे इस हमीदा बानो को मनाने के लिए, हुमायूं से विवाह करने के लिए। और उसमें वो किस प्रकार से ये वर्णन हमें मिलता है, वो ये 1541 में यह विवाह हुआ और ये कहा गया कि इस प्रकार 40 दिनों तक हमीदा बानो बेगम को मनाने के प्रयत्न होते रहे, यानी वो विवाह के लिए राजी नहीं थी, हुमायूं से विवाह करने के लिए सहमत नहीं थी। इसीलिए जो गुलबदन बेगम जो है जो हुमायूं की बहन थी उसने ये लिखी स्टोरी और हुमायूं नामा में, और ये कहा कि 40 दिनों तक हमीदा बानो बेगम को मनाने के प्रयत्न होते रहे किंतु वह सहमति देती न थी, यानी उसने कोई सहमति नहीं दी हुमायूं से विवाह की। अंततः मेरी माँ, यानी कौन सी, गुलबदन बेगम की माँ जो थी जिसका नाम था दिलदार बेगम, ने उसे डांट लगाई, आखिरकार तुम्हारी शादी किसी से तो होगी ही, अच्छा हो कि तुम बादशाह की ही मल्लिका बनो, यानी हुमायूं से विवाह कर लो। वो गुलबदन बेगम की जो माता थी उसने उसको डांट लगाई और ये कहा कि विवाह के लिए हामी करो। बानो बेगम ने जवाब दिया, क्या जवाब था, हाँ, उसने कहा हाँ, लेकिन मेरी शादी ऐसे से करो जिसके कंधों तक तो मेरे हाथ पहुंच सके, ऐसे आदमी से नहीं जिसके घुटनों तक भी मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते, यह बात मैं जानती हूँ। यानी इससे का मतलब ये था कि हमीदा बानो बेगम की जो
हाइट थी वो इतनी लंबी नहीं थी जैसा कि सीरियल में हमने दिखाया है, सीरियल में हम देखते हैं, तो वो एक परसेप्शन जब हम रोज वो सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो उससे ये बनेगा कि हमीदा बानो बेगम की तो हाइट बड़ी लंबी थी, लेकिन वो खुद रेफरेंस उस समय का जो रेफरेंस है वो हमें ये बताता है कि इतनी लंबी हाइट उसकी नहीं थी और उसी हाइट की वजह से वो विवाह करने के लिए भी राजी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर लगातार 40 दिन तक परिवार की स्त्रियों द्वारा जब प्रेशर बनाया गया तो ये विवाह जो है वो संपन्न हो सका और वो कहती है हुमायूं उम्र से बहुत ज्यादा लंबा है। और वो एक हमीदा बानो बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखा वो क्या लिखती है, आखिर में मेरी माँ ने उसे एक बार फिर डांट पिलाई, इस प्रकार 40 दिनों के मान मनोवल के बाद 948 के जमा दिल अव्वल, ये हिजरी सम्मत लिखा हुआ है इसमें, यानी ये महीना था 23 अगस्त से लेकर 21 सितंबर 1541 का, और ये लिखा है इसमें, पातर नामक स्थान में सोमवार की दोपहर बादशाह ने मीर अबुल बका को शादी की रस्में पूरी करने के लिए बुलाया, बादशाह ने खुद जंत्री देखी, शादी के लिए मुहूर्त निकाला था, बादशाह ने मीर बका को शादी कराने की फीस के रूप में 2 लाख टके दिए, शादी के बाद बादशाह वहां 3 दिनों तक रुके और फिर वहां से एक नाव के द्वारा बक्कर चले गए। तो ये हमें उस समय का कंटेम्प्रेरी रेफरेंस मिलता है, जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो उस क्रॉस चेक से हिस्टोरिकल फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि जो आम जनता में सीरियल के जरिए जो चीज दिखाई गई है वो बिल्कुल गलत थी, यानी उसमें उसकी हाइट भी नहीं है और भी ऐसे में रेफरेंस है। दूसरा एक और है, वो रेफरेंस वो है उनके अकबर के व्यक्तित्व के ऊपर, यानी पर्सनैलिटी कैसी थी अकबर की। अब जब हम कोई सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं, जैसे जोधा अकबर फिल्म आई थी उसमें ऋतिक रोशन जो है वो उसमें बड़ा गठीले शरीर का लंबा स्मार्ट जो है वो उसमें अकबर दिखा रखा है, तो उससे ये लगता है कि अकबर ऐसा ही होगा, यानी अकबर जब आया सिंहासन पर बैठा तो वो इस तरीके का गठीले शरीर का और छरहरा और लंबी हाइट का व्यक्ति होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसकी शक्ल सूरत के बारे में एक ईसाई पादरी जो फादर मानफ्रेड जो था वो अकबर से मिला, तो उसने अपने रेफरेंस में सीधा वर्णन किया अकबर का, वो तरीके का दिखता था अकबर, और मैं ये चित्र के जरिए भी दिखाऊंगा कि किस तरीके और ये चित्र है अकबर ये व्यक्तित्व के बारे में है, बहुत ऊंचा है, उसके मुख पर एक राजकीय वैभवता है जिसे कोई भी प्रथम दृष्टि से ही समझ सकता है और स्वयं जान सकता है कि वह सम्राट है, यानी उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की है। उसके कंधे चौड़े और तथा पैर कुछ घुमावदार हैं जो कि घुड़सवारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। अकबर का रंग कुछ हल्का भूरा है, वह अधिकतर अपना सिर दाहिने कंधे की ओर झुकाए रखता है, उसका माथा चौड़ा है, आंखें चमकती हैं ऐसे जैसे सूरज की रोशनी में वे समुद्र की तरह लहरा रही हैं। उसकी बाल यानी उसकी पलकों के बाल बहुत लंबे हैं, जैसे कि सोरोमेट, सिनाई, निकोनीज, सीथियन, चीनी तथा जापानी तथा अधिकांश उत्तरी एशियाई लोगों के होते हैं, यानी पलकें भारी पलकें थी। उसकी भौवें बहुत स्पष्ट नहीं है, यानी भौवें जो थी वो ज्यादा गहरी नहीं है, नाक सीधी है, छोटी सी किंतु बहुत छोटी भी नहीं, नथने काफी फूले हुए हैं जैसे उपहास की मुद्रा में हो, बाएं नथुने तथा होठ के बीच एक काला तिल है, दाढ़ी उसकी सफाचट है किंतु तुर्क युवाओं की तरह मूछ रखता है, बड़े होने पर सभी तुर्क दाढ़ी भी रखने लगते हैं, अपनी देशीय प्रथा के विरुद्ध उसके बाल लंबे हैं, यानी जो उनके पूर्वज जो थे वो जो लंबे बाल नहीं रखते हैं अब उनके उलट जो है ये बाल रखता है, बड़े बाल इसमें रखे हुए हैं। और वो कहता है टोपी वह नहीं लगाता, टोपी नहीं पहनता कभी भी अकबर, वो कहता है अपनी पगड़ी से ही सारे बाल, पगड़ी में ही सारे बाल घुसेड़ लेता है, कहते हैं कि वे यह वेश अपनी हिंदुस्तानी प्रजा की प्रसन्नता के लिए भारत की प्रथा के अनुसार करता है, यानी अपने उसने अपनी जो वेशभूषा थी वो लगभग भारतीय की तरीके से बना ली है। बाएं पैर से कुछ लंगड़ाता है,
यद्यपि उसे कोई चोट नहीं लगी है। यानी वो जैसे कि वहां सीरियल में दिखाते हैं कि बड़ा स्मार्ट है और तीखे नए नक्शे हैं, वैसा नहीं है वो। भारी भरकम शरीर है, एक पैर से लंगड़ा के चलता है, एक गर्दन झुका के रखता है एक तरफ तो, और ये लिखता है उसका शरीर बहुत सुडोल है, न बहुत निर्बल और न अत्यंत भीम पाए। ना तो भारी शरीर है और ना ही वो निर्बल कमजोर नहीं है, वह बहुत स्वस्थ वीर तथा गरिमावान है। हंसते समय चेहरे कुछ विदुर्प हो जाता है, वह स्वभाव से शांत गंभीर तथा उन्मुक्त हृदय है। बहुत भव्य किंतु क्रुद्ध होने पर प्रभावपूर्ण राज प्रतापी हो जाता है। जब पहली बार पादरी लोग उसे मिले तब वह 38 वर्ष का था। यानी ये जो उसने उसकी पर्सनैलिटी बताई है, वो जब 38 इयर्स का था तब उसने ऐसी शक्ल उसकी देखी थी। तो इस प्रकार से ये हमें जो सोर्स था, ये फॉरेन ट्रेवलर्स का सोर्स था, फादर मानश्रेट का, जो भारत में आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो उसने अकबर की पर्सनैलिटी, उसकी शक्ल सूरत, उसके हाव भाव, सारी चीजों का वर्णन किया है, लेकिन सीरियल में हमें कुछ और दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये यानी सुडोल शरीर है और मूछ रखता है और बड़े बाल रखता है, पगड़ी बांधता है। तो उसका अपने जो जो टोपी नहीं लगाता, अपने देश में जो उसका रिवाज था जहां से बाबर आया वहां, उस तरीके का उसने पहनावा नहीं रखा। तो ये हमें उस समय के सोर्स से हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से ये एक चीज और हमें पता चलती है कि क्या दिखा क्या रहे हैं और वास्तविकता क्या थी इसके बाद। क्योंकि उन्होंने क्या उसको एक तरीके से भव्य या उसको चमक दमक जो है ना, उसको ग्लैमराइज करना है उस सीन को, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसको सुंदर दिखाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इतिहास सुंदरता नहीं दिखाता, इतिहास तो वो दिखाएगा जो फैक्ट है वास्तव में। ऐसे ही एक तीसरा उदाहरण और मैं देता हूँ। उस सीरियल में जोधा अकबर जो सीरियल चला था टीवी पर, उसमें एक बात और चली, और वो क्या थी, उसमें एक अकबर की पत्नी है बेगम की, जिसका नाम था रुकैया बेगम, वो तमाकू का प्रयोग कर रही है, यानी हुक्का पी रही है वो। और इस हुक्के को वो दिखा कब रखा है, इसमें 16वीं शताब्दी के अंत में, समझ लो कि भी 1556 में जब वो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद शासक बना वो दिल्ली और आगरा में, तो उसके बाद जो सिगरेट पी वो सॉरी हुक्का पीते हुए उसको दिखाया गया है। लेकिन हम दूसरे जब सोर्सेज देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये 1605 के बाद जब अकबर की मृत्यु हो गई है तब ये उत्तर भारत में तंबाकू का प्रयोग कॉमन हुआ है। और 1604 की एक घटना है, एक व्यक्ति हुक्का जो है वो अकबर के दरबार में लेके आता है, तो उसका वर्णन हमें ये बताता है कि 1604 में वो नॉर्थ इंडिया में यहाँ लेके आए हैं दरबार में, उससे पहले कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है नॉर्थ इंडिया में। तो वो जो व्यक्ति है असद, उसका मैं वर्णन बता रहा हूँ, तो वो क्या लिखता है इसके बारे में, असद का जिक्र क्या है, ये इसने किताब लिखी है वाका ए असद, असद बेग, ये किताब है, तमाकू का वर्णन 1604 में है। और असद बेग जो है वो अकबर का एक अधिकारी है और वो दक्षिण में बीजापुर गया था, और बीजापुर से वापस आया वो, तो उसने ये हुक्का वहां से लेकर आया। वो वर्णन पूरा करता है इसका, उस वर्णन में ये लिखता है, बीजापुर में यानी जो आज कर्नाटक का जो क्षेत्र है, बीजापुर में तमाकू का खूब चलन है, उत्तर भारत में मैंने कभी यह देखा नहीं था। यानी कब लिख रहा है वो ये बात, 1604 में, 1605 में अकबर की डेथ हुई है। हम सीरियल में देख रहे हैं कि उसकी पत्नी बहुत पहले से ही तंबाकू का प्रयोग कर रही है। तो इस तरीके से ये जो है वो परसेप्शन सोसाइटी में गलत बनती है। तो यहाँ वो लिखता है कि तंबाकू का खूब प्रचलन साउथ में तो था लेकिन नॉर्थ में नहीं है। और वो कहता है मैंने कुछ खरीद ली और नगों के काम वाले खूबसूरत हुक्का तैयार किया। वो कहता है कि मैंने तंबाकू खरीद लिया, कुछ नॉर्थ इंडिया आने वाला है वो असद और अकबर से मिलने वाला है, तो उसको ये गिफ्ट के रूप में दे रहा है। कहते हैं मैंने हुक्का ले लिया जो नगों से तराशा गया था और उसकी नली 3 हाथ लंबी थी, सुंदर रंग वाली और सूखी, दोनों किनारों पर मीनाकारी थी, अचीन में इससे सुंदर नलकी नहीं मिली, मुझे यमन की बनी अंडाकार श्रृंगेरी नेची मिल गई, मैंने उसे एक तरफ लगा दिया, बीच का चिलम का पाइप बहुत सुंदर था, उस हुक्के के साथ सोने की चिलम थी, आदिल खान ने मुझे पान रखने के लिए, यानी जब वो दक्षिण में गया तो आदिल खान नाम के एक व्यक्ति ने, वो कहता है कि मुझे पान रखने के लिए एक सोने का सुंदर डिब्बा दिया था, इसे मैंने बढ़िया तंबाकू से भर दिया, ऐसी तंबाकू की एक पत्ती भी जले तो आग पूरी चिलम की तंबाकू में लग जाए, मैंने इन सबको चांदी की एक तश्तरी में सजाया
चांदी के खोल के नीचे में डाला और जिसके ऊपर दोहरा करके बढ़िया मखमल लपेट दिया। बादशाह सलामत मेरी इस भेंट से बहुत खुश हुए और सराहना की। उन्होंने पूछा कि इतने कम समय में मैं इतनी सारी विचित्र चीजें कैसे एकत्रित कर सका। यहाँ बादशाह कहता है ये विचित्र चीज है, यानी कौन सा हुक्का। तो वो कहता है तब उनकी निगाह तमाकू पीने वाले सामान पर पड़ी, वे बड़े अचरज में पड़े। उन्होंने चिलम को ध्यान से देखा, वह बहुत सुंदर बनी थी। उन्होंने पूछा कि यह क्या चीज है और किस काम आती है। नवाब खाने आजम ने बताया, इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ, यह तमाकू है, मक्का मदीना में इसका बहुत चलन है और एक बार एक हकीम दवा के रूप में इसे आपके लिए लाया था। वो याद दिलवाता है उसको। बादशाह ने मुझे कहा कि मैं हुक्के को तैयार करके उनके सामने रखूं। जैसे ही उन्होंने इसे पीने की कोशिश की तो एक हकीम ने आगे बढ़कर उन्हें हुक्का पीने से मना कर दिया। लेकिन बादशाह सलामत ने कहा कि मुझे खुश करने के लिए, यानी जो हुक्का लेके आया था उसको खुश करने को उसे एक दो कश जरूर लेने चाहिए। उन्होंने दो तीन बार धुआं खींचा लेकिन हकीम उन्हें हुक्का पीने ही नहीं देना चाहता था। यानी हकीम क्या लिखता है फिर इसके बारे में, क्योंकि जो हकीम है वो अपनी तरीके से सोचता है कि नॉन इंडियन प्रयोग नहीं हो रहा, तो वो क्या बता रहा है हमें। इस पर बादशाह ने नलकी मुंह से निकाल दी, यानी दो तीन बार धुआं उसने खींचा, नलकी निकाल दी और खाने आजम को पीने को बुलाया। फिर वो कहता है दूसरे व्यक्ति को कि भाई आप पियो इसको, इस चीज के गुण दोष परीक्षण करने को कहा। उसने कहा कि दवा की किताबों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह नई चीज है, यह चीन से लाई गई थी और यूरोपियन हकीमों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा पड़ा है। हकीम अली ने कहा, यानी जो हकीम था वहां जिसका नाम ही हकीम अली था, ने कहा यह वस्तुतः अप्रोक्षित दवा है जिसके बारे में मेरी चिकित्सा पद्धति के विद्वानों ने कुछ नहीं लिखा। एक व्यक्ति कहता है कि ये चिकित्सा के लिए यूज की जाती है, जो भारत का हकीम वो कहता है हमारी किसी भी किताब में इसके बारे में नहीं है। हम ऐसी चीज को बादशाह सलामत के उपयोग के लिए कैसे स्वीकृति दे सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि भाई राजा को ऐसी कोई भी चीज खाने या पीने के लिए नहीं दी जा सकती जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वीकृति कैसे दे सकते हैं जिससे गुण दोष तक हमें पता नहीं, बादशाह को यह नहीं पीना चाहिए। तो यानी जो हकीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कि वो राजा को रोक के, बादशाह को रोक के किसी भी नई चीज को उसको चखने से पहले। मैंने कहा, यानी जो हुक्का लेके आया था वो कहता है यूरोप वासियों को किसी ने इसके उपयोग हेतु मना नहीं किया है। उनके यहाँ तो बड़े जानकार लोग हैं जो कम गलती करते हैं, बिना परीक्षण किए अपने राजा दरबारियों सामंतों तथा प्रजा को इसके उपयोग की स्वीकृति कैसे दे सकते हैं। यानी वो व्यक्ति तो कहाँ उसका जोर लगा रहा है कि राजा उसका प्रयोग करे, उसको देखे, लेकिन जो है वो नया होने की वजह से जो हकीम है वो उन्हें मना करता है और ये उसके गुण दोषों किया होगा। वो कहता है कि यूरोप के लोगों ने किया होगा, अन्यथा वे ऐसा क्यों करते। फिर हकीम अली ने फिर क्या कहा, देखें हमें यूरोपीय लोगों का अनुकरण करना जरूरी नहीं है, न कि उनकी प्रथा अपनानी चाहिए। जब तक हम स्वयं इसकी जांच न कर लें, यह हमारे पूर्वजों द्वारा भी स्वीकृत नहीं की गई है और न ही इसका परीक्षण हुआ है। तो यानी उसने क्या बताया, पूरा इसका एक्सपेरिमेंट करके तब उस चीज का प्रयोग किया जाए। हमारे देश में इसका प्रयोग नहीं होता और ये कब तक नहीं हुआ था, 17वीं शताब्दी के आरंभ तक तमाकू जो है भारत में, नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर कॉमन प्रैक्टिस में नहीं थी ये चीज, और अब इसके लिए ये रोकते हैं हकीम जो है। तो ये तथ्य हमें ये बताता है कि जो वो सीरियल था जिसमें अकबर की पत्नी हुक्का पीने की कोशिश करती है, तो वो 16वीं शताब्दी का जो इसका पिछला जो हिस्सा था, यानी उसका पूर्वार्ध था जो 1550 से लेकर और 1600 के बीच में, उसमें वो प्रैक्टिस कॉमन प्रैक्टिस दिखा रहे हैं कि वो हुक्का पी रही है रुकैया बेगम, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हुक्का ही 1604 में इसके दरबार में आया और उस पर काफी तीखी बहस जो थी। तो हमें ये उस समय के मिडिवल कंटेम्प्रेरी जो सोर्स है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इस प्रकार की चीजें वहां नहीं होती थी जैसा कि टीवी सीरियल या फिल्म में दिखाई जाती। इसके बाद और भी एक दो फैक्ट है वो मैं और इसके इसमें शेयर करूंगा। खासतौर पर अगर हम देखें तो इसमें एक जहांगीर का और इसके विवाह की बात होती है कि जहांगीर का नूरजहां से विवाह हुआ है,
इसकी बात होती है और फिल्म बनी ये जिसमें मुगले आजम फिल्म बनी थी और मुगले आजम में बार बार जो है वो इस बात पर जोर दिया गया था। एक सेकंड, हाँ मुगले आजम जो फिल्म थी उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि सलीम और अनारकली उसके दो कैरेक्टर हैं और उसमें ये बताया गया कि अकबर का पुत्र जो है वो सलीम है, ये भी बिल्कुल नाम ठीक है कि सलीम उसके पुत्र का नाम था, और वहां जो अनारकली है उसको इतिहास में ये देखा जाता है कि वो नूरजहां थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के महीने में 1605 में इसकी मृत्यु हो गई अकबर की। अकबर के बाद जहांगीर जो है वो शहनशाह बना और उसे कोई रोकने वाला नहीं है कि वो अपनी मर्जी से विवाह कर सकता है जैसा कि पहले वाले सुल्तान या शासक करते रहे। लेकिन यहाँ शादी कितने साल बाद हो रही है नूरजहां के साथ जहांगीर की? 1611 में 6 साल के बाद, 6 साल बाद उसका विवाह हो रहा है। और ये भी नहीं है कि वो कम उम्र का है, यानी 42 साल की एज है जहांगीर की और उसकी नूरजहां की भी कोई कम एज नहीं है, 34 इयर्स की एज है उसकी। 34 साल की उम्र में विवाह हुआ है और इसमें ये नूरजहां थी 34 वर्ष की और 42 वर्ष का जहांगीर है। जहांगीर के तो बल्कि जो उसका पुत्र था जहांगीर का, जो दूसरी पत्नी से, पहले वाली पत्नियों से पैदा हुआ खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से सियासन पर बैठा था, उसका भी विवाह हो चुका था, उसके भी एक बेटी पैदा हो चुकी थी, यानी तब वो दादा बन चुका था जहांगीर सलीम, यानी तब उसका विवाह नूरजहां से हुआ है। हम जब फिल्म देखते हैं तो हमें ये लगता है कि पता नहीं वो जो है ना उसने सारी फिल्म ही अनारकली और उसके ऊपर है, तो अनारकली का वहां हिस्ट्री में कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है वहां, बल्कि उसकी उम्र ही 42 वर्ष की है, बड़ा मैच्योर है उस समय सलीम, यानी जो अब सलीम नहीं कहते हैं, वो जहांगीर के नाम से शासक बना। और तब 1611 में अगर इस तरीके से अगर वो होता, अपने पिता का विद्रोही होता सलीम और अनारकली के लिए होता, तो उसके मरने के तुरंत बाद विवाह करता उससे, 6 वर्ष का क्यों वो गैप देता। तो इस प्रकार से हमें कुछ स्टोरी जो है वो ये बताती है कि वास्तविकता कुछ और होती है और फिल्म वाले जो है उसे कुछ किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं, और फिर आम जनमानस की परसेप्शन यही बनती है कि वहां अकबर और जहांगीर इसी काम में लगे हुए थे कि विवाह होगा नारकली से, नहीं होगा, दीवार में चढ़वाएंगे नहीं चढ़वाएंगे, वो अलग परसेप्शन जो है वो खड़ी कर देते हैं। तो एक तो ये फैक्ट भी था। इसके अलावा एक और इसमें, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, सीरियल का नाम ही रख दिया इन्होंने जोधा अकबर। जोधा वास्तव में उसकी पत्नी नहीं थी अकबर की, अकबर की पत्नी का नाम हरखा बाई था। जो मेडिवल सोर्सेज हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि वो हरखा बाई था वास्तविक नाम, और जहांगीर की जो पहली पत्नी थी उसका नाम जोधा था। तो ये हमें जानकारी हिस्टोरिकल फैक्ट से हमें पता चलती है, जो मेडिवल सोर्सेज हैं वो ये नाम हमें बताते हैं। और हरखा बाई को ही मरियम जमानी का की उपाधि जो थी वो दी गई थी, और जहांगीर यानी जो सलीम था वो उसी से हरखा बाई से पैदा हुआ था, जो बारमल राजा था आमेर का उसकी बेटी थी ये हरखा बाई, उसी से सलीम जो है उसका जन्म हुआ और वही आगे जहांगीर के नाम से शासक बना है। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो कुछ और हमें दिखाते हैं वास्तविकता, और जो फिल्मों के जरिए या दूसरी चीजों के जरिए जो हमें दिखाने की कोशिश होती है वो कुछ और होती है। इसके अलावा एक चीज और मैं इसमें डिस्कस करूंगा, वो ये था इसमें चित्तौड़ में महाराणा प्रताप के बारे में, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण इसमें उल्लेख है। हमें जब भी महाराणा प्रताप का उल्लेख आता है तो बार बार चित्तौड़ को सामने रखते हैं कि चित्तौड़ है, मेवाड़ की कैपिटल है, चित्तौड़ है, लेकिन उसमें भी इस तरीके के फैक्ट हमारे सामने हमें दिखते हैं कि हमेशा 25 वर्ष तक जो है वो संघर्ष हुआ मेवाड़ का। वो मेवाड़ का जो संघर्ष था राणा प्रताप के पिता जो महाराणा उदय सिंह थे उनके समय से ही आरंभ हो गया था, और वो लगातार लड़ते रहे। उसके बाद राणा प्रताप लड़ते रहे 25 साल तक, बाद में उनका बेटा अमर सिंह जो है वो भी लड़ता रहा, और अकबर के सामने उन्होंने कभी यानी समझौता जो है वो नहीं रखा और लगातार उनका संघर्ष हुआ। अब ये बात दिखती है और हमें एक चित्तौड़ जो है वो ये दिखता है संघर्ष का प्रतीक दिखता है हमें, लेकिन जब हमें ये जानकारी हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये पता चलता है महाराणा प्रताप के राज्य का हिस्सा ही था ही नहीं चित्तौड़। महाराणा प्रताप की जो कैपिटल थी वो गोगुंदा थी, गोगुंदा से उसने सारा संघर्ष जो गोगुंदा से चलाया है। तो अब हमें जब हम देखते हैं हिस्ट्री को या फिल्मों के या जब हम उस साइट पे जाते हैं वहां के लोग जो बताते हैं हम उसी को इतिहास मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी
कि अकबर जैसे जैसे धीरे धीरे राज्य का विस्तार किया तो मेवाड़, अब ये नहीं है